लर्न अबाउट पॉल्यूशन यानी प्रदूषण. ठीक है, ये चैप्टर क्लास फोर्थ का है पॉल्यूशन. दिस इज चैप्टर 10. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. तो आपका चैप्टर है पॉल्यूशन यानी प्रदूषण. आवर एनवायरमेंट इज मेड अप ऑफ एयर वाटर सॉइल एंड मेनी मोर थिंग. हमारा जो एनवायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो बहुत सी चीज़ों से बना है. एयर, हवा, मिट्टी, पानी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर आर मच मोर थिंग्स. ह्यूमन बींग्स आर पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट फॉर देयर ओन बेनिफिट्स बाय मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज. ह्यूमन बींग यानी हम इंसान जो है अपना पर्यावरण जो है एनवायरमेंट वो खराब कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें करके. फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज ओपन करके, इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो पानी में जाता है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है. इंडस्ट्रीज का जो धुआं है वो हवा में जाता है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. ठीक है, इंडस्ट्रीज का जो कूड़ा कचरा होता है वो जमीन पर फेंका जाता है जिसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है. तो वी ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पोल्यूशन. ठीक है, यूज ऑफ रिसोर्सेज केयरलेसली विल ग्रेजुअली मेक द एनवायरमेंट मोर एंड मोर डर्टी. यानी रिसोर्सेज यानी रिसोर्सेज का अंधाधुंध इस्तेमाल करने से क्या होता है, पॉल्यूशन को जो है बढ़ोतरी मिलती है. कैसे, अब फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि गाड़ी का ही यूज़ है, गाड़ी का यूज़ किया जाता है, आप देखते हैं पीछे से कितना प्रदूषण निकलता है. ये जानते हुए भी गाड़ियों का यूज़ हो रहा है और हल्का फुल्का नहीं हद से ज़्यादा हो रहा है एयर पॉल्यूशन. ये जानते हुए भी कि फैक्ट्रीज से जो है एयर पॉल्यूशन होता है, हवा दूषित होती है, फैक्ट्रीज चल रही हैं, फैक्ट्रीज खुली हुई हैं. इतना कुछ ह्यूमन्स जो है बेसिकली वी ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पॉल्यूशन. और आने वाले टाइम में भी जो भी होगा पॉल्यूशन से लेकर पॉल्यूशन से रिलेटेड जो बीमारियां बेसिकली कहें तो वो हमारी बदौलत होगी क्योंकि पर्यावरण को गंदा करने वाले ह्यूमन ही है. वी ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ठीक है, द इफेक्ट ऑफ दिस डर्टी एनवायरमेंट विल बी सफर्ड बाय ऑल. ऑब्वियसली बात है, अगर हम गंदा कर रहे हैं तो सफर भी तो हम करेंगे ना. देखिए भी हम जो भी कंक्लूजन जो भी परिणाम आएगा इस पॉल्यूशन का. तो बेसिकली दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट कि प्रदूषण से क्या नुकसान है. वो प्रदूषण से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है. 36 तरीके की बीमारियाँ होती हैं. ठीक है, पर्सनल और सोसाइटी में भी आप नोटिस करना, अगर आपके घर के अगल बगल फैक्ट्रीज है प्रदूषण वाली बेसिकली जो एयर पॉल्यूशन जहाँ से धुआं निकलता है वहाँ पे आप अगर बैठो वहाँ पे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन. एनवायरमेंट साफ नहीं है, एनवायरमेंट साफ नहीं है तो सांस कैसे लोगे. तो दैट्स द प्रॉब्लम. ठीक है, द इफेक्ट ऑफ दिस जैसे कि मैंने बोला हम कर रहे हैं तो हम ही सफर करेंगे, कोई और नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज स्मोकिंग ही इज पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट अराउंड हिम, पॉल्यूटिंग द एयर अराउंड हिम. अगर कोई स्मोक कर रहा है धूम्रपान बेसिकली करें तो खुद को तो हानि पहुंचा ही रहा है, अगल बगल का एनवायरमेंट भी गंदा कर रहा है और अगल बगल जो लोग खड़े हैं उनको भी हानि पहुंचा रहा है. क्योंकि जो स्मोक है जो सिगरेट से स्मोक निकलता है उसे इनहेल करने से जितनी बीमारी उससे होती है उसका 50% आपको भी होगी, आप भी वो इनहेल कर रहे हो. तो वो खुद को तो नुकसान पहुँचा रहा है, पॉल्यूशन को पहुँचा रहा है और अगल बगल खड़े इंसानों को भी पहुँचा रहा है. ठीक है, When other breathe in the same air, they also inhale polluted air. जैसा कि मैंने बोला खुद को तो पहुँचा ही रहा, अगर बगल वाले जो इनहेल कर रहे हैं उनको भी पहुँचा रहा है. ठीक है, सो अभी के लिए फिलहाल इतना पढ़ते हैं पॉजिटिव है. नेक्स्ट जो भी होगा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. टिल देन अपडेट रहिए एंड स्टे सेफ स्टे हेल्दी. ठीक है, थैंक यू.